खिड़की बंद करके गाड़ी चलाओ। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? रणगिरी में नए आए हो क्या? हाँ सर। ठीक है सुनो, कांच बंद कर लो, कोई भी आवाज आए गाड़ी कहीं रोकना मत, चलते रहना चुपचाप, समझ गए? गाड़ी कांच बंद करके ही चलाना, आखिरी बार बोल रहा हूँ। क्या हुआ अनवर? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। चेक करके देखो क्या हुआ है। सर एक मिनट देखता हूँ। अनवर अनवर सर अनवर देख वहां कुछ गिरा है, वहीं पे गिरा हुआ था। क्या गिरा है सर? यार मुझे लगा कुछ गिरा है। तू कहाँ गया था? सर कार बंद हो गई सर, और पास में ही एक होटल है सर, वहां जाएंगे तो शायद कुछ मदद मिलेगी, अगर आप कहें तो वहां चलें सर। ठीक है, कार को लॉक कर दे। हाँ ठीक है सर। ऐसा लग रहा है कहीं आपको देखा है। A face is very familiar to me. सर ये होम मिनिस्टर राजू रवि के बेटे हैं, रोशन रवि। ओह सर वेलकम टू रणगिरी, इन दिस होटल वी हैव अ 6 रूम्स। बाय द वे आर यू बैचलर और मैरिड सर? सुनो मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ, गाड़ी खराब हो गई है, कोई मैकेनिक है तो बता दो। सर गाँव में इस वक्त तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ब्रदर मुझे बहुत अर्जेंट है, जाना ही होगा, बेंगलुरु जाना है मुझे। आपको इमरजेंसी है मैं ये समझ सकता हूँ सर, लेकिन रणगिरी के बारे में आप कुछ जानते नहीं है, यहाँ रात होने के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलता। टी सर चाय लीजिए। हाँ भैया, आप रणगिरी पहली बार आए हैं ना, नाइट में ट्रैवल करना सेफ नहीं होगा। यस सर, मेरा भी यही सजेशन है सर। ओके यू गाइस कन्विंस मी, बट एक जरूरी बात, मुझे भैया कह के मत बुलाओ, कॉल मी रोशन। सर आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ, प्लीज आइए। अनवर सर कल सुबह तक गाड़ी ठीक करवा लेना। हाँ। सुबह जल्दी निकलना है। ठीक है सर। क्या बात है, आप खुद ही लगेज कैरी कर रहे हैं, कोई स्टाफ नहीं है क्या? यहाँ काम में जो भी लगता है वो एक महीने में छोड़ ही देता है, मैं ढूंढ ढूंढ के थक चुका हूँ लेकिन कोई मिलता नहीं। क्यों? ऐसी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? श्राप है सर, ब्रिटिश काल में यहाँ पर काला जादू हुआ करता था सर, सब उससे डरते हैं, यहाँ हर कोई डर में जीता है सर। ओ ये बात है क्या, चेक पोस्ट के पास गार्ड ग्लास चढ़ा के जाओ ऐसा बोल रहा था? बिल्कुल सर, मैं इस जगह को बेचने के बारे में सोच रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, कोई बायर मुझे मिल ही नहीं रहा सर। प्लीज दिस वे। ये क्या ब्रदर, यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है। मोबाइल नेटवर्क थोड़ा वीक है सर यहाँ पर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, रात में रूम से बाहर मत निकलिएगा, सेफ नहीं है, कोई जरूरत हो तो लैंडलाइन पे कॉल कीजिएगा, ये आपकी रूम की चाबी। हाँ गुड नाइट सर। गुड नाइट। How do you hit that down there?
That is picked up beautifully from Partick. सर रोशन मेरा बेटा मरा नहीं है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। रहीम सर, अपने डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर को रणगिरी भेजकर यस सर, मेरे बेटे के साथ क्या हुआ उसका पता लगाओ। कीप इट ऑफ द रिकॉर्ड, स्टिल हैव 48 आवर्स फ्रॉम नाउ। डेफिनेटली सर, चाहे कुछ भी हो जाए मीडिया वालों को इसका पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर। यस सर। ओके ओके सर। सर पीछे हटो सब लोग। छह क्या हुआ सर? कैसा इंसान है यार वो, फोन कर दो फोन रिसीव नहीं करता, आज मिस कॉल दो तो कल फोन करता है, अभी कहाँ होगा पता नहीं। कौन है सर वो? हमारे डिपार्टमेंट में एक महान आदमी, वो ही है। क्या बताऊँ, वो ऐसा आदमी है कि वो इमेजिन करके इमेजिनेशन में ही क्राइम को सॉल्व करता है। वो है शिवाजी सूरतकल। सर ए शिवाजी, कितनी बार तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन नहीं रिसीव करते हो। एक इम्पोर्टेंट केस है, अभी तुम कहाँ हो? सर एक साइको 3-4 सालों से डिपार्टमेंट के साथ लुक्का छिपी खेल रहा है, उसके बारे में क्लू मिला है। आई एम दैट सर। ए शिवाजी, उस साइको केस को छोड़ दो, इमीडिएटली मडकेरी के पास रणगिरी नाम का गाँव है, तुम वहाँ जाओ। मडकेरी सर? जी शिवाजी, जी शिवाजी, शिवाजी, कैन यू हेयर मी? यस सर, यस सर। सर मुझे ये केस नहीं चाहिए सर। कम ऑन शिवाजी, रुकी हुई घड़ी को तुम कितने सालों तक देखते रहोगे? आई नो, 5 साल हो गए तुम उस मटकेरी में गए नहीं, अभी तुम वहाँ पर्सनल केस के लिए नहीं जा रहे हो, ये एक ऑफिशियल केस है सर। बट आई एम रियली वर्ड्स टू मी, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब मैं व्हाट्सएप से भेजता हूँ, इमीडिएटली मटकेरी जाओ। फाइन सर। गोविंदा यू टर्न ले लो, मटकेरी जाना है। मडकेरी सर? कहाँ जा रहे हैं आप? मडकेरी क्या? कोई नया केस मिला है क्या? केस नंबर 101। मेरे एक्सपीरियंस में ये वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्चुअली वेरी बिजार केस। मरे हुए इंसान का नाम रोशन, गृह मंत्री राजू रवि का बेटा। जिस जगह मौत हुई वो है मडकेरी इलाका, रणगिरी गांव। I have exactly 48 hours to crack this case and my time starts now. डर कर मरा है, ब्लड स्टेन्स कुछ नहीं है, हार्ट अटैक मे बी, ओनली पोस्टमार्टम कैन कंफर्म। एर्नोमीटर भी सेट किया है, इसे मरकर करीब 8 घंटे हुए होंगे। उंगली में जो अंगूठी है, एक पुराना नया बाल रिंग फिंगर में है। शादी अभी अभी इसकी एंगेजमेंट हुई होगी या फिर गर्लफ्रेंड का गिफ्ट। गोविंदा सर अपना वॉलेट निकालो। गोविंदा राइट हैंडर है,
इसलिए पैंट में राइट साइड पर वॉलेट रखता है। ये लेफ्ट साइड रखा है तो ये लेफ्ट हैंडर हो सकता है। लेफ्ट हैंड में वॉच भी है, वॉच पर स्क्रैच भी है। विक्टिम की हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट। इसके साथ जो ड्राइवर था वो कहाँ है? वो ड्राइवर मिसिंग है सर। मिसिंग का मतलब? कल रात से वो दिखाई नहीं दे रहा सर। आई सी। सर्च पार्टी अरेंज कीजिए सर। लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो फैक्स करके ढूंढने के लिए कहिए। ओके। एसीपी बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट कीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चुटकियों में आनी चाहिए। यस सर। राइट, यू लुक स्मार्ट। थैंक यू सर। हाइट क्या है आपकी? 5'11" है सर। ओह, ऑलमोस्ट 6 फीट। स्विमिंग आती है क्या? नहीं सर, छोटे मोटे तालाब और नदी में ही तैरता हूँ। सोचा था तुम डूब जाओगे लेकिन तुम बच गए सर। 6 फीट का आदमी 5 फीट के पानी में डूब जाए, ये संभव नहीं है। Something is wrong. रोशन्स मोबाइल। बॉडी को किसने शिफ्ट किया था? सर मैंने ही किया। Who are you? रिजॉर्ट ओनर हूं सर। एक कॉफी बोलो। So, you are प्रीतम शेट्टी। Yes sir। तुम्हारी बीवी का नाम स्मिता शेट्टी। तुम दोनों की शादी 26 जनवरी 2013 में हुई थी और आप कमर्शियल एयरलाइन पायलट बनकर काम कर रहे थे। इतना इजी वाला काम छोड़कर इस रिजॉर्ट को मैनेज कर रहे हो। आई एम राइट? यस सर, यू आर राइट, बट ये सब आपको कैसे पता? अरे तुम्हारे चेहरे को देखकर पता चलता है यार, तुम्हारे चेहरे की चमक को देखकर। नो डार्क सर्कल, नो रिंकल्स, तुम बिस्लरी का पानी पीने वाले हो। खुशी से आराम से एसी में बैठकर काम करने की आदत है, बट ये आईटी जॉब नहीं है। नो फैट, यू फिजिकली फिट। 6 फीट लंबे हो, हेयर स्टाइल परफेक्ट है, साइड लॉक्स अच्छे से ट्रिम किए हुए हैं। हाउ क्लासी, बॉडी लैंग्वेज क्लासी, कपड़ा क्लासी, इवन द परफ्यूम। साथ ही साथ तुम्हारी ये सारी खूबसूरती को देखता हूँ तो लगता है आप कोई बड़े काम करते होंगे। वो कौन से काम है सर? यहाँ पर लगी हुई हर फोटो बताती है कि आप दुनिया का हर कोना घूम चुके हो। तुम्हारी फेवरेट कलेक्शंस और वो ये सब कहते हैं कि यू लव फ्लाइंग। एयर एशिया वाले पायलट्स को गिफ्ट देते हैं वो बैग यहाँ, ये देखकर लगता है कि यू आर ए कमर्शियल पायलट। मगर इतनी आसानी से वो काम क्यों छोड़ना पड़ा? वाई? ये फोटो कहती है कि इसमें आपने स्पाइक नहीं पहने, लेकिन आप अभी स्पाइक क्यों पहन रहे हैं? एक तो ऊपर से स्पाइक का निशान नहीं है। इतनी जल्दी नजर कैसे कमजोर हो गई? वी नो द रूल, परफेक्ट विजन वाले ही पायलट का काम कर सकते हैं, इसलिए क्या पायलट का काम हाथ से छूट गया, अब कौन सा काम करें? दूसरी फोटो कहती है कि वो पूरी फैमिली इसी गांव की रहने वाली है, साथ ही साथ खुशी खुशी इस फैमिली के साथ रहने के लिए आपने खुद के गांव में आकर सेटल होकर इस रिजॉर्ट को मैनेज कर रहे हो। एम आई राइट? You are absolutely right, sir. Yes, Shivaji Suratkal is always right. हमारी मैरिज डेट आपको कैसे पता चली? वेरी सिंपल, फेसबुक प्रोफाइल। पर मैं तो फेसबुक यूज नहीं करता हूँ। तुम फेसबुक पर एक्टिव नहीं हो ब्रदर, लेकिन तुम्हारी श्रीमती स्मिता तो एक्टिव है। लेकिन यहाँ 3-4 महीनों से कोई अपडेट तक नहीं हुई है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। राइट, लेट मी कम टू द पॉइंट प्रीतम जी। रोशन जब स्विमिंग पूल में गिरा उसकी घड़ी आपके पास थी, मतलब टाइम ऑफ डेथ रात के 1:30 बजे का होगा। लेकिन लोकल एसआई रुद्रेश को इन्फॉर्म किया है तुमने 5:30 बजे। उतना डिले क्यों? बताएंगे? वो क्या है कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। इसलिए मुझे खुद जाकर एसआई रुद्रेश को बुलाना पड़ा सर, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया सर। थोड़ा? गोविंदा। यस सर। इसे लॉन्ड्री में दे देना। ओके सर। थैंक यू फॉर द रूम प्रीतम। वेलकम सर। आप यहाँ कब तक रुकेंगे सर? मेरी मर्जी। केस पूरा होने तक। ओके सर। वो लंबू इंस्पेक्टर है ना, रुद्रेश? हाँ, उसे कॉल करके कहना मेरी टैबलेट खत्म हो गई है, अर्जेंट लाने के लिए बोल। व्हाट्सएप करता हूँ सर। वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर। तुम्हारे रिजॉर्ट में रूम कितने हैं? टोटल 6 रूम्स है। रोशन का रूम नंबर क्या था? 1001। 1001। यस सर। प्रीतम जी गृह मंत्री के इकलौते सुपुत्र रोशन के बारे में क्या सोचते हैं आप? मतलब समझा? मतलब उसके कैरेक्टर के बारे में, उससे बातचीत तो की होगी, वो किस तरह का इंसान था, तुम्हें क्या लगता है? मिनिस्टर का बेटा है ना सर, तो सो एरोगेंट, थोड़ा आकड़ू, घमंड, गुस्सा, इसीलिए वो तुम्हें पसंद नहीं आया होगा। सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा आपसे। कहा तो नहीं, लेकिन
वैसा तो सोच रहे थे ना? सर नो सर, ही वॉज गुड। गुड गुड कह के जुबान तो कह रही है लेकिन आंखें तो झूठ बोल रही है ना सर। राइट, ये डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं, चलो रोशन के रूम में चलते हैं। ओह दैट वे। जानू, तुमने तुम्हारी फेवरेट कॉफी लाने को कहा था ना, लाया हूं। हे जानू, जानू कहां हो? जानू जानू कहां हो? जानू इतनी जोर से टीवी क्यों चला रखा है? बैंगलोर हुबली इन सब की गांव की जवान लड़कियों को। जानू जानू करीब 4 साल पहले 15 मई 2015 को 12:20 पर जननी और गुनमा दोनों घर में दिखाई नहीं दिए। जननी का फोन नॉट रिचेबल आ रहा था। जननी कहां गई पता नहीं। This. एक जोड़ी ही कपड़ा पैक किया है, सो इट इज ओनली वन डे ट्रिप। आई थिंक रोशन इज अ नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। वो आप कैसे कह सकते हैं सर? कपड़ों को छोड़कर बाकी सब आइटम्स को इंडिविजुअल कवर में करेक्टली पैक किया है। ट्रिमर, कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, बेल्ट। ओह लुक एट दिस ब्यूटी, बेराटा M9 सेमी ऑटोमेटिक। मिनिस्टर का बेटा, सेल्फ डिफेंस। इस कवर में कुछ तो था लेकिन अब नहीं है। क्या हो सकता है? रोशन की रीसेंट में फेसबुक पर क्या पोस्ट है देखो, मैं इंस्टा चेक करता हूं। प्रीटी गर्लफ्रेंड डॉक्टर अंजलि,
ओह साइकाइट्रिस्ट। वी हैव अ प्रॉब्लम। चलो गोविंदा सर, रिसोर्ट की सारी एग्जिट को क्लोज करके सील कर दो। यस सर। कोई बाहर ना जाने पाए। यस सर। लेकिन क्यों सर? ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, रोशन को मारा गया है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये मर्डर है, वो भी इतनी जल्दी सर? रोशन की इंस्टाग्राम में फोटो देखी तो उसमें हाई स्कूल के टाइम में रोशन को स्विमिंग में प्राइज मिला था, एक्सपर्ट स्विमर था, वो भला क्यों पानी में डूबकर मरेगा? पॉइंट सर। लेकिन ये वो सुसाइड भी तो हो सकता है ना सर? गोविंदा आप ही रोशन हो, ऐसा सोच रहे हो? यस सर। ओके, आप अपने हाथ में लोडेड रिवॉल्वर होने के बावजूद कान के पास लगाकर ऐसे स्ट्रेट जाना छोड़कर कहां पानी है ऐसा ढूंढकर क्यों डूबकर मरोगे यार? एक्सीलेंट सर। सो ये एक्सीडेंट नहीं है, सुसाइड नहीं है, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। एक खून हुआ है तो कोई ना कोई इसका कातिल होना ही चाहिए। हेलो 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 हेलो, जननी वहाँ आई है क्या? नहीं आज तो नहीं। दोपहर 12:30 बजे से 1 घंटे तक सबको कॉल किया लेकिन जननी के बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। गोविंदा को कॉल करके घर आने के लिए कहा। प्लीज ये सब बाद में, यहाँ एक खून हुआ है। सॉरी सर। टाइम ऑफ डेथ रात के 1:30 बजे। गो देयर। ये क्या है यार, बराबर रोशन का मर्डर होते वक्त का ही सारा फुटेज ब्लैंक क्यों हो रहा है? सर कल पावर कट हुआ था यहाँ, सो पावर कट की वजह से सीसीटीवी वर्क नहीं कर रहा सर। इस पर यकीन करोगे आप? हाँ सर, हमें तो पता ही नहीं है सर। गो फर्दर। कल कितने गेस्ट लोग थे? 5 लोग सर। उन सब का फुटेज दिखाओ। हाँ। ये कौन है जो हर कोने में सेल्फी लिए जा रहा है? सर गेस्ट है सर। नाम क्या है? महाकाली भुजंग गौड़ा। ये मेरे घर वालों ने रखा है सर, वैसे ज्यादातर लोग मुझे ब्रो ब्रो कह के बुलाते हैं। ओह। वो क्यों? वो क्या है कि FB और इंस्टा पे एक कूल सा नेम चाहिए होता है, इसीलिए मैंने अपना नाम ब्रो रख लिया। ये क्या है? ये इंस्टा क्या होता है? इंस्टा? इंस्टाग्राम आपको नहीं पता है? उसमें तुम क्या करते हो? फोटो ब्लॉगर ब्रो। हर हफ्ते एक मॉडल का फोटो शूट करता हूँ मैं, और उनकी फोटोज को इंस्टा पे अपलोड करने का काम है मेरा। और उससे क्या होता है? फेम होता है ब्रो, लाइक्स और फॉलोअर्स। और एक बात जानते हैं, मेरे इंस्टा पेज पे 100K फॉलोवर्स हैं मेरे। क्या बात है! मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए न जाने कितनी लड़कियां पागल रहती हैं ब्रो। इसका मतलब तुम एक तरह के सेलिब्रिटी हो, इस एरिया में फ्लेक्सी बनकर बिल्डअप देकर मिचिंग मिचिंग मिचिंग, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ मेरे एरिया में मुझे कोई नहीं जानता है ब्रो। फिर तू किस तरह का फालतू सेलिब्रिटी है? ये सब ऑनलाइन चलने वाला मैटर है ब्रो, इसे मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ऑनलाइन? हमारे साइबर क्राइम वाले कहते हैं एक टेररिस्ट था, वो दिखने में तो मासूम बच्चे जैसा दिखता था, बकरे जैसी दाढ़ी रखकर फेसबुक पर फेक न्यूज स्प्रेड करता था, आपके जैसा ही था ना? हाँ वो यही होगा। ब्रो नो ब्रो। ए, उठकर खड़ा हो जा। मैं दिखने में ब्रो जैसा लगता हूँ क्या? कॉल मी सर, शिवाजी सर। ओके ब्रो। सॉरी सर। वो क्या छुपा रहे हो? व्हाट्स दैट? क्या है ये? पता नहीं सर, ये तो मुझे जंगल में मिला था सर। तो उस जंगल में क्यों गया था? इस गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। फोटो लेना है, डॉक्यूमेंट्री बनाना है, ऐसा मुझे उस मैडम ने बोला था सर। दरअसल लगभग पिछले 5 सालों से नौजवान बैचलर्स यहाँ से गायब होते जा रहे हैं सर, अंडर वेरी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। मिस्टीरियस का मतलब? यहाँ कुछ लोग काला जादू कर रहे थे सर, ऐसा मैंने सुना था। सिर्फ सुना है ना, पर्सनली तो कभी नहीं देखा ना? नहीं सर, एक्चुअली जब मैं यहाँ आई तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था सर, वो मैं सर। सॉरी सर, एसिडिटी। सो आप रूम के अंदर ही थी, कहीं बाहर नहीं गई, ऐसा ही कह रही है ना? हाँ सर, मैं सो गई थी। सर अपनी कांस्टेबल सरोजनी को बुलाए तो इन्हें नींद से जगाया जा सकता है ऐसा लगता है। सर कॉफी। कॉफी के लिए पूछा, लाया, रख दिया और क्या, चल गेट आउट।
What's this? Sir, it's my personal diary. यहाँ एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर्सनल जैसा कुछ नहीं होता। कई दिनों से आप इसी रिजॉर्ट में रह रही हैं। रोशन तुम्हारे रूम के बाजू में ही था, फिर भी तुमने उसे नहीं देखा। हाँ, मैं सो गई थी सर। आई हैड दिस टेरिबल नाइटमेयर। वो दरअसल बहुत डरावना था। मैंने देखा उस जंगल में कोई औरत मुझे फॉलो कर रही है। वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे वो मुझे पुकार रही है, अंजलि। वो बहुत ही वियर्ड था सर, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एंड समथिंग अबाउट दिस प्लेस, जस्ट मुझे तो वो किलर, ये मैडम और वो ब्रो है ऐसा लगता है। ये डॉक्यूमेंट्री बनवाना एक नाटक है। सर वेट, वो कौन सा कुआं है? यही जगह मिली क्या तुम्हें? I told you, ऑनलाइन होटल बुक करोगे कोई अच्छा होटल नहीं मिलेगा। You didn't listen to me. क्या हुआ? Who are you? मैम, who am I? Yes. मैम, ये पुलिस डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। प्लीज मैम, कैसे पेशी वाजे सूरत कल क्राइम ब्रांच। I'm so sorry sir. Sir, please go and look at the balcony sir. देख कर ही घेर आ रही है। Please go. ए, तुम रुक जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? पहले क्लीन करवा दो। देखकर ही घिन आ रही है मुझे। मैं साफ करवाता हूँ, डोंट वरी। आपने देख लिया ना, इस गांव में, इस रिजॉर्ट में ऐसे ही कुछ कुछ होता रहता है। मुझे रात भर नींद नहीं आती है सर। दरवाजे को रात भर कोई ठोकता रहता है और जब दरवाजा खोलती हूँ कोई दिखता ही नहीं है। हमारे सैंडी के साथ अगर कुछ हुआ होता तो होटल का लाइसेंस ही कैंसिल करवा देता। We respect every living being, you know? Hey, मिस्टर, आप चुप क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? सर, इसे हिंदी नहीं आती है। हिंदी नहीं आती? No. कहां से आया है? सर, इनफैक्ट इस होटल के खिलाफ नेगेटिव रिव्यू दूंगी सर। दिस प्लेस इज हॉन्टेड सर, इट इज स्कैरी। शौकिया, प्लीज स्टॉप इट। नो सोम, आई कांट स्टे हियर एनी लॉन्गर, लेट्स गेट बैक। सर, हम इस होटल से जा सकते हैं क्या? हेलो, एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब तक मैं ना कहूं कोई यहां से बाहर नहीं जा सकता। एंड ट्रस्ट मी मैम, इफ यू जेन्युइन यू विल डेफिनेटली फ्लाई बैक होम। सर, उसे हिंदी नहीं आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किलर वही है। कोई ना कोई बहुत बड़ा चक्कर है सर। वर्टू जी, आप ही हो क्या? हाँ, हाँ सर। इस रिजॉर्ट में आने के लिए लोग डरते हैं, तुम इतने सालों से यहीं पर काम कर रहे हो, इतनी वफादारी। सर, मैं अकेला नहीं हूं ना सर, मेरी दो छोटी बेटियां थी। छोटी वाली मर गई और बड़ी मेरे साथ है सर। मुझे मेरे ओनर सही समय पर पगार देते हैं सर, इसीलिए मैं यहाँ पर काम करता हूँ। वो उस रूम की बालकनी में हाँ। तीन चार कबूतर मरे थे ना? तीन चार नहीं सर, यहाँ देखिए सर एक बार। सर, इन्हें झेलना ही हमारा काम बन गया है सर। बहुत सारे कबूतर मरते रहते हैं, इन सबको मैं यहीं गाड़कर इनकी समाधि बना देता हूँ सर। क्या बताऊँ सर, रणगिरी में होने वाली घटनाएं एक या दो, क्या बताऊँ सर, यहाँ होने वाली घटनाओं का कोई कारण नहीं होता है सर। अगर कारण होता तो तू छोड़ता नहीं ना। सर 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 सर, रुकिए। क्या हुआ? सर, यहाँ से हटिए सर, ये कुआं है सर, इससे समस्या पैदा होगी सर। भगवान के लिए नहीं क्या सर। समस्या है? समस्या एक या दो नहीं है सर, पूरा कुआं भरा हुआ है सर। ये कैसा धागा है जो सब लोगों ने बांधा है? ये ना सर, ये हमारे गेस्ट विद्या सागर ने बांधा है। जब से मैंने इसे बांधा है मैं चैन की नींद सो पाता हूँ सर। ये सब क्या है भाई,
सबको अलग अलग कलर का धागा पहनाते हो? वो कलर का धागा नहीं है, रक्षा कवच है। किसके लिए रक्षा कवच है? सुनो, मैं एक प्रोफेशनल पाम रीडर हूँ। अलग अलग लोगों के हस्तरेखा के हिसाब से उन्हें अलग अलग कलर का रक्षा कवच दिया जाता है। ए, हमें शास्त्र वास्त्र नहीं देखना है। ये कोई शास्त्र नहीं है, फैक्ट। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे हस्तरेखा के बीच एक संबंध होता है, उसकी वजह से ही आदमी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब बताया जा सकता है। तो आप हाथ देकर भविष्य बताते हैं क्या? हम डिपार्टमेंट के लोग हैं, सिर्फ फेस देखकर ही कुंडली बताते हैं, समझे क्या? लगता है आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हुआ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, निसंकोच बताइए। January 10, 1001 रिफ्लेक्टिव नंबर। एक बार अपना हाथ दिखाइए। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मतलब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। इसमें चौंकने वाली बात क्या है? ये सब हम लोग जानते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये दूसरी बात है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो नहीं मिला, मत से मार्ग है। दोपहर 2 बजे आसपास वाले घरों में किसी ने जननी को देखा है, ऐसा पूछना हमने शुरू किया। माँ जी नमस्ते, मैं जननी का पति हूँ। वो घर नहीं आई, आपने उसे कहीं देखा? देखा है क्या? कभी? आज देखा? कहाँ देखा? आसपास में? वो अकेली थी या? वो अकेली कहीं नहीं जाती है। किसके साथ? गाड़ी में गई क्या? कौन सी गाड़ी में देखा आपने माँ जी? ऑटो में, कैब में? कौन सी गाड़ी में ले गए? आई मीन एटलीस्ट कौन सा कलर? रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन? कौन सा कलर माँ जी? माँ जी कौन सा कलर? वो सफेद रंग की गाड़ी में थी, सफेद रंग की गाड़ी। एम्बुलेंस। देखो, तुम्हारी जिंदगी में 3-4 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल गई। उसके बारे में सोच के तुम्हारा दिल बहुत दुखी होता है। 1001 और 2 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ अजीब घटना घटने वाली है, लेकिन वो इंसान के द्वारा नहीं। मेरी बात मानो, ये रक्षा सूत्र बांध दो, इससे तुम्हारे दिल को चैन मिलेगा और आने वाली मुसीबत से मुक्ति मिल जाएगी। गोविंदा सर, उस ज्योतिष की बातों में कोई बात तो है। हम तो उससे सवाल जवाब करने गए थे, लेकिन उसने तो मुझे ही सवाल बताने जैसा कर दिया। कुछ तो माइंड गेम चल रहा है, अंडरस्टैंड सर? वही किलर है, कंफर्म सर। हाँ, तब तुमने उस बटरू को किलर कहा था, उस लड़की को भी किलर कहा था। सर ये तो डबल कंफर्म है सर। गुड कॉफी। अब आप क्यों लेकर आई? बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। थैंक यू। आप ठीक हैं? देखिए मैडम, आप जो कुछ भी जानती हैं वो सब हम लोगों को बताना होगा। झूठ मत बोलिएगा, अभी भगवत गीता नहीं पकड़ा सकते आपको, अंडरस्टैंड? श्रीमान गोविंदा जी। सर SI रुद्रेश जी को मेरी टैबलेट लाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? एक बार जरा फोन करके कंफर्म कीजिए, जरा दूर जाकर बात कीजिएगा। सॉरी सर। इस कंडीशन में आप ये सब काम क्यों करती हैं? रूम में बैठकर रिलैक्स कर सकती हैं ना? वो स्टाफ प्रॉब्लम भी है ना, प्रीतम भी अकेला हो जाएगा इसलिए भैया। ऑलराइट, कल एग्जैक्ट क्या हुआ था? एनीथिंग अनयूजुअल? कुछ अजीब हुआ था क्या? आपने कुछ भी ध्यान दिया हो? पुलिस हूं ऐसा सोचकर हेजिटेट मत कीजिए, जो भी हुआ है वो ऑनेस्टली बताइए प्लीज। भैया कल रात को मैं रिसेप्शन पर थी, रोशन के रूम से एक कॉल आया। हेलो, 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 प्रीतम, प्रीतम।
आपका कहना है रोशन अपने रूम से बाहर भाग रहा था, क्यों भाग रहा था, वो किसे देखकर भाग रहा था, आपने कुछ देखा क्या? नहीं भैया, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। स्मिता के कहने के अनुसार कोई दिखाई नहीं दिया। नहीं दिखा मतलब व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, थिंक व्हाट इज नेक्स्ट थिंग। रोशन के जैसा सोचने की कोशिश करो, वो पूरी तरह डरा हुआ था, अंदर से बाहर भाग कर आया, पहले क्या करोगे? सर पहले अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करूंगा। Exactly. उसने भी वैसा ही किया होगा। हेलो डार्लिंग, इस तरफ जाने वाला टर्न होकर क्यों पुल की तरफ गया? वहां किसी को देखा है, डरा है और डर कर भागा है। वो छोड़ो, जैसे मैं दीवार से टकराया वो भी वैसे ही दीवार से टकराया होगा। यस, वॉच में मार्क था। वॉच में मार्क था? हाँ, मैंने कहा था ना वॉच थी, वॉच में मार्क था और उसका कारण था ये पिलर, वहाँ है देखो मार्क। वाह, यू आर अ जीनियस सर। यस, आई नो। रोशन का पीछा करने वाला वो कौन था? दैट्स द ओनली मिसिंग लिंक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ बाय ड्रॉनिंग करके आ रहा था, एक एक्सपर्ट स्विमर के साथ ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है, अनलेस उस किलर ने उसके गले को कस कर पकड़ा होगा, उसके ऊपर प्रेशर डालकर उसे पानी में डुबो कर मारा होगा सर। एग्जैक्टली, लेकिन स्मिता कह रही थी कि उसने सिर्फ रोशन को देखा था और किसी को नहीं देखा, विच मीन्स वी हैव अ मिस्टीरियस किलर। रोशन को रूम से बाहर बुलाकर और स्विमिंग पूल में जबरदस्ती डुबाकर उसे मारा गया है। नजर नहीं आया मतलब ही इज एन इनविजिबल किलर। आखिर वो है कौन? गोविंदा जननी को ढूंढने सारा गांव घूमे लेकिन उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन दूसरे दिन 3 बजे सर गैस वेस्ट हो रहा है सर, आजकल पेट्रोल का रेट ज्यादा है, इसे जला दो सर। सर नहीं सर, सर ए कमीने, तेरी बीवी का मोबाइल तुम्हें कहां मिला? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं तो सबीर की दुकान पे बैठ के वो रेलवे ट्रैक के पास वाला वहाँ चाय पी रहा था, तभी एक एम्बुलेंस से एक मोबाइल नीचे गिरा सर। अगर मंजा सच कह रहा था तो उस एम्बुलेंस से मोबाइल किसने गिराया? वो एम्बुलेंस किसकी थी? समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग। ए उस हादसे को ठीक से याद कर, वहाँ क्या हुआ था साफ साफ बता। सर इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। गोविंदा, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक क्यों बैन किया है इसे पता नहीं है, ऐसा लगता है। एक बात और याद आई सर, उस एम्बुलेंस के पीछे एक कुत्ता भाग रहा था सर। क्या कहा? कुत्ता का मतलब ये कुत्ता था क्या? सर मैं सच कह रहा हूँ, यही कुत्ता था। हाँ? सर अपने गुलमा को क्या सर?
16 मई को सुबह 4 बजे मंजा के बताए इन्फॉर्मेशन के अनुसार वो मोबाइल जहां गिरा था मैं और गोविंदा ढूंढने निकल गए। वहां कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऐसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां सर, ये देखिए सर, अपना गुलमा। सुबह 5 बजे मेरी जान से प्यारे दोस्त गुलमा को चला दिया गया। फॉरएवर, फॉरएवर। गुड बॉय गुलमा, जंप जंप, कम ऑन गुलमा, जंप जंप। सर, आग लग गई सर। क्या कहा, आग? सर वहां 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 सर, आइए सर, वो देखिए सर, ये सब कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा है सर। पता नहीं लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ हाँ, आप लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो क्या? इसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। शिवाजी, सूरतकाल, ये सब कैसे हुआ, क्या क्या फेंका है रूम में, हाँ? सोफे में आग कैसे लग गई? सर, अपने आप ही इसमें आग लग गई। अपने आप रूम में आग कैसे लग गई? आसपास शॉर्ट सर्किट होने के लिए वायर भी नहीं है, केरोसिन नहीं है, माचिस भी नहीं है। ये किसका रूम है? हा? उस डॉक्यूमेंट्री वाली लड़की का? हाँ सर। कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता। हाँ। खिड़की में से आग जलते हुए देखा, इमरजेंसी है ये सोचकर डोर को मास्टर की से ओपन करके मैं अंदर आ गया। ये किसका ट्रंक है, ओपन कीजिए। अरे नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मत खोलिए सर, श्राप लगेगा सर, मत खोलिए सर। Hey, तुम खोलो। नहीं सर, नहीं सर, प्लीज प्लीज, नहीं सर। Hey, खोल बे। सर, सर, मत खोलिए सर, प्लीज सर, नहीं सर, सर। ये फोटो किसकी है? एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो? ये किसकी है? हेलो, हेलो। वो चुड़ैल रंग नायिका का है सर। रणगिरी में उसका नाम सुनते ही सारे लोग डरते हैं सर, उसका एक कारण है। ये करीब 20 साल पहले की कहानी है। इस जंगल में नरबलि, काला जादू, वशीकरण, ऐसा करने वाले बहुत लोग थे। यहाँ शाम होते ही लोग घर से बाहर आने में बहुत डरते थे। ये डर हमेशा हमेशा के लिए इंसान के दिल में बसने का एक ही कारण है, वो है चुड़ैल रंग नायिका। वो भी एक जवान लड़की थी, वो गूंगी थी, उसकी वजह से कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं था। वो गुस्से से अपने जवान लड़कों को अपने वशीकरण से अपने वश में करने लगी। एक गुफा के अंदर कबूतरों की बलि देकर उसका खून पीती थी। वो चांदनी रात के दिन दुल्हन के जैसे सजकर अपने बाल बनाकर उसमें मोगरे का फूल लगाकर पैरों में पायल पहनकर जवान लड़कों को पहले डराती थी, उसके बाद उन सब का पीछा करती थी, उसके बाद उन सब को बहुत ही बेरहमी से मार देती थी। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे जवान लड़के लापता होने लगे, उन सब का कारण रंग नायिका ही थी। लेकिन एक दिन पटेल के बच्चे को ही बलि चढ़ा दी। उसका बदला लेने के लिए पटेल जी ने सब लोगों को जमा करके उसे भगा भगा कर मार दिया, लेकिन फिर भी उसका खेल जारी रहा। चांदनी रात को जवान लड़के लापता होने लगे, इन सब का कारण रंग नायिका ही थी, उसकी आत्मा ये सब करती थी। इस डर से सब मिलकर उसके शरीर का अंतिम संस्कार करके उसके सारे सामानों को दिग बंधन करके एक ट्रंक में रखकर फेंक दिया। तब से ये ट्रंक बंद है, तब से अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। ना जाने इस ट्रंक को कौन यहाँ लेकर के आ गया, इसीलिए तो रणगिरी में नौजवान लड़के लापता होते जा रहे हैं सर।
ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये ट्रंक यहाँ पर रखा हुआ है सर। सर जितनी जल्दी हो सके इसको फेंक देते हैं। ये ट्रंक इस केस का खास एविडेंस है। इसे मेरे रूम में ले चलो। सर 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 नहीं सर, ये सब भूत का काम है, फिर आपके साथ भी बुरा होने लगेगा सर। क्या बटरू जी, डरा रहे हो क्या? सर अपने कमरे में तो रख रहा हूँ, अगर कुछ बुरा होगा तो मेरे साथ होगा। वो बात नहीं। राइट, वो भूत की बातें छोड़ो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ ये ट्रंक इस रूम में आया कैसे? वो क्या है सर? ब्रो सॉरी सर, मुझे पता है सर, वो मैडम जिस ब्लैक मैजिक पे डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी वो ये सिक्का है सर। ये पुराना ट्रंक, कई सारे पुराने सामान, इस तरह की बहुत सारी चीजें उनके रूम में थी सर। मुझे तो लग रहा है ये सब उसी का इफेक्ट है सर। रात के समय सर वो कहीं घूमने के लिए चली जाती थी, और उनसे कभी मैं पूछता था तो वो कहती थी इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। You mean sleepwalking? हाँ सर, मैंने आपसे कहा था ना सर। वो देखिए सर, वो रही वो मैडम। वो मैडम आंखें खोल के सोती हैं सर, आप खुद ही देख लीजिए सर। सर हर रोज रात को वो मैडम उस बालकनी में आकर, उसी जगह में आकर बहुत देर तक खड़ी रहती हैं सर। 3-4 दिनों से मैं यही देख रहा हूँ। रोशन तो पूल में यहीं से गिरा था, मतलब लाइन ऑफ साइट पर ये खड़ी है। हाँ, आई हैव एन आई विटनेस, इसका मतलब वो नींद में है। आई वॉन्ट यू टू रिलैक्स यूरेका, दिस इज द साइंटिफिक प्रोसीजर। तुमने जो कुछ भी नींद में देखा वो याद करने से बहुत हेल्प होगी, बस इसे ही देखती रहो। फोकस, तुम्हें नींद आ रही है, गो टू स्लीप। गुड, कल रात को तुम नींद में चलकर जा रही थी, कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गई, वहां क्या देखा? स्विमिंग पूल। गुड, फिर स्विमिंग पूल के पास रोशन भाग कर आया। उसे कोई भगा रहा था क्या? उसे भगाकर उसे पानी में डुबोकर मार दिया ना? कौन है वो, उसे किसने मारा? आदमी है या औरत? मारकर कहां गया? कुछ याद आया? कुएं में। कौन हो तुम? रोशन के इंस्टा में तुम्हारी फोटो देखी थी, ऐसा लग रहा था बहुत क्लोज हो। और 4 महीने बाद हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी, क्या हुआ सर उसके साथ? अभी कुछ साफ साफ नहीं बता सकता, लेकिन इस जगह में जो भी हो रहा। क्या हुआ सर? वो कैसी आवाज थी? कोई साउंड नहीं सुनाई दिया मुझे। हम लोग शादी कर ले क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। राइट, वो छोड़ो, तुम और रोशन शादी करने वाले थे ना, तुम्हें किसी पर डाउट है क्या? सर मुझे तो इस जगह पर ही डाउट हो रहा है। सोचिए रोशन यहाँ पर क्यों आएगा? समथिंग इज नॉट राइट अबाउट दिस प्लेस सर। शिवाजी, शादी करोगे मुझसे? भैया चाय। कॉफी लाने को कहा था ना मैंने? वो कॉफी पाउडर खत्म हो गया है। क्या मैडम,
कॉफी बोलता हूँ टी लेकर आती हैं, बिस्लरी बोलता हूँ सादा पानी भेजती हैं, ऊपर उड़ने वाले सारे के सारे कबूतर नीचे गिरे होते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप जाइए। थैंक्स सर। वो बटरू जी ने जैसा कहा आप इनको ले जाकर कहीं फेंक देते हैं सर। क्यों, डर लग रहा है क्या? सर आप समझ नहीं रहे सर। वो क्या? सर रोशन की शादी नहीं हुई थी, वो कुछ काम के लिए यहाँ रुका होगा। उसके बाद जहां तक मुझे लगता है उस भयंकर कुएं से वो रंगनाय की भूत निकलकर। तो जैसा वो लोग कह रहे हैं उसे एक भूत ने मारा, तुम भी वैसा ही कह रहे हो। सर यही सच है सर, आप समझ नहीं पा रहे हैं सर। रियली? एक बात कहूं सर, ये भूत आत्मा कुछ नहीं, ये सब अपनी कल्पना है। फियर हैज अ थाउजेंड फॉर्म, ऐसा कहते हैं ना, वैसा ही। सर आप तो भूत और आत्मा को गूगल में ही ढूंढते हैं सर, आपको कैसे समझाऊं मैं। सर एक बात कहता हूं सर, अगर आप बुरा ना माने तो। बोलो। सर ये रणगिरी जगह ही ठीक नहीं है सर, इस केस को यहीं पर बंद कर देते हैं और हम लोग अपने शहर वापस जाते हैं सर। गोविंदा ये क्या कह रहे हो, हम डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, इन भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पावर फेलियर हो रहा है, मैं एक बार देख कर आता हूं। देखता हूं सर। क्या हुआ जी? जी के बाद तुम्हारे साथ अजीब सी घटनाएं होंगी, लेकिन वो इंसान के द्वारा नहीं है। ये सारे कबूतर मरे पड़े हैं शिवाजी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा शिवाजी, यू आर गोइंग बैक, यूजलेस, समथिंग इज रॉन्ग। 1001 जी, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। कॉफी कहा था ना यार, कल दोपहर तक आ जाएगा सर, एडजस्ट कर लीजिए, कल दोपहर तक बना दूंगा। सर hey, मैं ये टी कॉफी वगैरह नहीं पीता, मैं कुछ और ही पीता हूँ।
सर क्या हुआ सर? कल रात को वो मुझे दिखाई थी। कौन सर? खुद अपनी आंखों से देखा मैंने। किसे सर? रंग नहीं की। सर आपने जो देखा? हाँ 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 यार, हाँ? ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। वो हाँ, लोग जो कह हाँ, रहे हैं ना वो सब सच है। हाँ? उन लोगों ने कहा था कि पहले वो डराती है और अपने जाल में फंसाती है और आखिर में मार डालती है। वो सब मेरे साथ हुआ यार। हाँ? वहां उसने मुझे डराया। वहां गया था उस कुएं के पास। हाँ? वहां वो चुड़ैल रंग नायकी खड़ी थी। मैंने पास जाकर देखा तो वो रंग नायकी नहीं, मेरी जननी थी। वो रंगनायकी के जैसी दिखती है। मेरी जननी थी। मेरी जननी थी। रंगनायकी के जैसी दिखती है। रंगनायकी के जैसी अजीब सा बर्ताव कर रही थी। वो मुझे फंसाकर मुझे मार डालेगी। वो रोशन को जैसे मारा था ना, मुझे भी यहाँ से हमें जाना होगा एज सून एज पॉसिबल। सर आपने ही तो कहा था शी इज सो डेंजरस। कुछ नहीं होता, वी शुड बी प्रैक्टिकल। या 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 आई एम आल्सो रैशनल। ओके, कल कहा था, कल सुबह ही कहा था, लेकिन रात को ही मुझे एहसास हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे रंगनायकी दिखाई थी। मेरी बात सुनिए सर, रात को आपको भ्रम हो गया होगा सर। आपने किसी और को देख लिया होगा सर। सर पिछले दो दिनों से आप ठीक से सोए नहीं हैं सर, और फिर आपने ठीक से गोली भी नहीं ली है सर। तो यू थिंक यू आर सेइंग आई एम मैड? सर ऐसा नहीं है सर। यू थिंक मैं सब कुछ इमेजिन कर रहा हूं? ये सब मेरा पागलपन है क्या? मैं पागल हूं क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने रंगनायकी को वहां खड़ा देखा है। ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं कह रहा हूं ना, मेरा पागलपन नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मेरी कल्पना नहीं है वो सर। ऐसा कुछ भूत प्रेत आत्मा होती है? मेरी बात सुनिए सर, मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपने गोली नहीं ली। एंड यू शट अप। गेट आउट सर। आउट सर। सर जा रहा हूं सर। वो तुम हो या कोई? What's happening सर? क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, हाथ से फिसल कर वो चाय का कप गिर गया और कुछ नहीं। Look there. हाथ से फिसल कर नहीं सर, यू हैव अ प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? आई हैव नो प्रॉब्लम। देखिए हाथ भी कांप रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू लुक सो वीक। नो आई एम ओके, परफेक्टली ओके। व्हाट आर यू सेइंग? योर पुपिल्स आर डायलेटेड। हे देयर इज नो प्रॉब्लम। क्यों सर, नींद नहीं आ रही है? कुछ नहीं, आई एम परफेक्टली ओके। आई एम ओके। ये सब लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। हम लोग कहीं बाहर जाकर बात करेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। आप बेबी के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो गए हैं। दैट्स व्हाई यू हैव क्लिनिकल डिप्रेशन। हे, डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन कल रात से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये सब गुस्सा खाने की वजह से हो रहा है, बट कल परसों जो कुछ हुआ वो मैं बता नहीं सकता कि क्या हुआ सर। वो कबूतर, वो पुराना कुआं, छोड़ो सर। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, मुझे आप में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। लाइक जो किसी को नहीं दिखाई देता वो आपको दिखाई देता है, जो किसी को सुनाई नहीं देता वो आपको सुनाई देता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी पावर है ना, इसलिए हो सकता है दिमाग पर जोर पड़ा होगा। सर आपकी चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। पर्सनली आई फील यू नीड अ ब्रेक। हे ब्रेक क्यों? ये केस कितना सीरियस है ये आप जानते हो ना, इसे मैं कैसे छोड़कर जाऊं? अगर माइंड क्लियर नहीं होगा तो काम करने का क्या फायदा।
As a doctor, it's a personal suggestion. Take a break. At least for a few hours. You'll feel much better. आप सही कह रही हो। रुद्रेश, सर, 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 सर। क्या बात है? माँ के घर लेके जा रहे हो? डॉक्टर ने कहा इसलिए ही ना? Come on, जानू, तुम भी और लड़कियों की जैसी सोचती हो क्या? और नहीं तो क्या? इतने दिनों तक सबको अवॉइड करते थे, अब अचानक से जा रहे हो तो क्या बात हो सकती है? फिर से शुरू हो गई? तुम तो लॉयर हो, तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यू कर सकता है क्या? I don't want to have this conversation. ठीक है, म्यूजिक प्ले करूं क्या? ओहो, तेरा फेवरेट सॉन्ग? हाँ। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, बंटी और उसके फ्रेंड्स सब साथ हैं। वो एम्बुलेंस में एक लड़की का किडनैप करके ले जा रहे हैं। हाँ, ग्रीन दुपट्टा ओढ़ी हुई एक लॉयर, करीब 28 या 30 साल की होगी वो। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। सॉरी, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सच है। I'm really sorry. Come on, शिवाजी, कोई अनजान मिस कॉल उसे बेस बनाकर हम किडनैप नहीं कह सकते। प्रॉपर एविडेंस चाहिए। आपकी वाइफ है इसलिए आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। डू वन थिंग, एक हफ्ता छुट्टी ले लो। इस केस को पटेल हैंडल करेगा। वो पाटिल क्या? थैंक यू सर। बट व्हाई सर? नो वर्ड्स, इट्स माय ऑर्डर, यू कैन गो नाउ। सर, 14 मई करीब दोपहर के 1 बजे जननी को किडनैप करने वाले बंटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ऑफ द रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। ये जननी का नंबर है, ओके? उसने आखिरी बार किस किस से बात की उसे हैक करके पता लगाओ। एक मिनट सर। सर ये नंबर है सर। रिपीटेड कॉल किया उसने? इसमें कॉल रिकॉर्ड्स है क्या? देखो। हाँ देखता हूँ सर। बास्टर्ड, कौन है वो जो जननी को धमकी दे रहा है? जस्ट सर्च हुज दैट गाय, वो बंटी ही होगा, चेक करो। नहीं सर, उसका नाम पीटर डॉन है, रोड नंबर 33, बीबी मोहल्ला, मैसूर। क्यों बे, क्यों तुमने मेरी बीबी को फोन करके धमकी दी? बोल, क्यों धमकी दिया? कौन है वो? बोल बे, कौन है वो बंटी? नहीं सर। कौन है वो बंटी? बोल 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 बे। सर 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 सर, क्या कर रहे हो बंटी? सर छोड़ो सर, आपके पास वारंट भी नहीं है। उसके साथ क्या लेने देना है? बोल सर। सर मैंने किसी को फोन नहीं किया सर। अबे तो हम लोगों को देखकर भाग क्यों रहा था बे? पुलिस देखकर डर गया था सर। छोड़िए इसे, ये कोई सड़क छाप गुंडा है सर। भाग यहां से, भाग इधर से। किडनैप तो डमी एम्बुलेंस में हुआ था, जननी को फोन आया था एक खोए हुए फोन से। सीसीटीवी फुटेज में छोटा सा भी सबूत नहीं, इसका मतलब कोई तो है जिसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का प्रोसीजर पता है। ऐसा सर, इसका मतलब हमारे डिपार्टमेंट से उसका कोई साथ दे रहा है। अपने डिपार्टमेंट से कोई नहीं होना चाहिए, किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना रेगुलर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का रूट छोड़कर हमें दूसरा नेटवर्क यूज करना होगा। वो कैसे सर? इन्फॉर्मर नेटवर्क। होनी चाहिए जननी को किडनैप करने वाली एम्बुलेंस, यही कहीं होनी चाहिए। बकार भाई के इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन कभी छूट नहीं होती। सर ये सब पुरानी गाड़ी है सर, इतनी बड़ी जगह में हम कैसे ढूंढेंगे?
रोविंदर, यू आर ओके? वो भाग गया क्या सर? निशाना मुझ पर था, तुम्हें लग गया। मुझे छोड़िए सर, वो लोग ये होंगे सर, उन्हें मत छोड़िएगा सर, वो जरूर मिल जाएंगे सर। सर यहाँ कुछ चिपचिपा लग रहा है सर, ये यहाँ पे सर, ये यहाँ पे चिपचिपा है सर, देखिए ना क्या है सर, कुछ कुछ तो। गोविंदा सर, यू आर जीनियस। थैंक यू सर। तारीख 14 मई, दोपहर 3:30 बजे जननी को किडनैप करने वाली गाड़ी तो मिली, लेकिन जननी नहीं मिली। जननी हमेशा कहती थी आपको पुलाव बहुत पसंद है। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? आप सुबह ही आए, आते ही आप यहाँ पे सो गए, इसलिए मैंने नहीं जगाया। मतलब मैं अपनी ही गाड़ी से आया क्या? हाँ, क्यों? Excuse me, just a minute. Hello? सर, वो मिसिंग ड्राइवर मिल गया सर। क्या बात है? ओह, एक्सीलेंट, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचूंगा। हाँ ठीक है सर। होल्ड हिम। ओके सर। अरे खाना तो खा लो बेटा। नहीं, अभी मुझे जाना होगा। माजी प्लीज। अरे एक तो इतने सालों बाद आए हो और इतनी जल्दी जा रहे हो तुम। मैं मटकेरी एक केस के सिलसिले में आया था, अभी मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में मैं डब्बे में देती हूँ। नहीं माफ कीजिए, नो थैंक्स प्लीज। शिवाजी, शिवाजी सॉरी, बाय। सर यही है मिसिंग ड्राइवर सर। नाम अनवर है ना? हाँ सर। ए, ये क्या? तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। सर सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी अभी ये एक्सीडेंट से बचकर बाहर आया है और इसका पल्स रेट, इट्स वेरी बैड सर, यू प्लीज काम डाउन। आई विल काम डाउन मैन, एक इंपॉर्टेंट केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, पुलिस के साथ लुका छुपी खेल रहा है। हाँ सर, तेरे बॉस का यहाँ मर्डर हो गया है बे, कहाँ गया था, कहाँ गया था, कहाँ गया था बॉल? सर इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है ना सर। कौन है वो सीनियर ऑफिसर? सर आप ही तो है ना सर। गाड़ी तो बीच में चल रही थी, रुद्रेश राइट साइड में आकर क्यों टकरा गया? ब्लडी इडियट, इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं, चले जाओ। अगर मेरा व्हीकल नंबर एफआईआर में आ गया तो आप ही को प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके मोबाइल के सारे रिकॉर्डिंग सब डिलीट कर दो। वो कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले क्राउड को क्लियर करो। चलो 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 निकलो चलो। कौन सी नई कहानी सुना रहे हो रुद्रेश, पागल हो गए हो क्या? मैंने ये सब कब कहा था? क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ सर प्लीज, वो झूठ बोल रहे हैं तो क्या हुआ? आपको सच पता है तो बता दीजिए ना। मैं सब सच अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे ब्रेक की जरूरत, ऐसा कहा था। आई सेड ओके और कार लेकर मैं ससुराल के लिए निकल पड़ा। मैं और मेरी बीवी कार से जा रहे थे, अचानक ये इडियट कार के बीच में आ गया। ओ, बीवी के साथ? हाँ। ओ, बीवी के साथ? ओ, बीवी के साथ? ओ, बीवी के साथ? आज सुबह ही तो आपने कहा था कि आपकी बीवी को मरे हुए 4 साल हो गए हैं। अब देखिए, यू आर इमेजिनिंग थिंग्स सर। अंजलि, अंजलि, मैं संजली, आप डॉक्टर हो इसलिए मैंने अपना पास्ट और अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की, वो सब याद दिलाकर मेरा दिमाग खराब मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। डोंट मैनिपुलेट, डोंट, यू आर हेलुसिनेटिंग एंड यू सीम टू हैव मेमोरी इश्यूज। नो 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 नो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, माय मेमोरी इज परफेक्ट। ओह रियली? हां ओके। खुशी-खुशी जा रहे थे? हां। एक्सीडेंट हो गया? हां। फिर कल रात को क्या हुआ? कल रात को तुम्हारे बॉयफ्रेंड रोशन को किसने मारा था वही बात कर रहे थे, फिर करंट चला गया। सर मैं पावर चेक करने के लिए गया था। हाँ, तब गोविंदा भी था, लेकिन पूल के वहाँ बकरे दाढ़ी वाला वो लड़का पानी में गिर गया, उसे बचाने के लिए मैंने हाथ दिया तो। हेलो, मैं कब पानी में गिरा ब्रो? हाँ आप भी उस मैडम की तरह साइको हो गए हो ब्रो। तू पानी में नहीं गिरा क्या? नहीं ब्रो।
झूठ मत बोलना। मैं क्यों झूठ बोलूंगा ब्रो? मुझे ब्रो मत बुलाना, मुझे ब्रो मत बुलाना। ऐसे मैंने कितनी बार कहा था कमी है साले, मेरा नाम शिवाजी है, मेरा नाम शिवाजी है। हे शिवाजी, हे शिवाजी, शिवाजी, हे शिवाजी, शिवाजी, सूरतकाल, सूरतकाल, आई एम सर। लोफर, मैं कोई बंगाली टाइगर हूँ क्या जो रिकॉर्ड करने आए हो? तुम चुप करो, तुम बीच में क्यों आ रही हो? मैं भी देखती आ रही हूँ, हिप्नोटाइज किया था और अब आप कह रहे हैं वो लड़का पूल में गिर गया था। यू आर नॉट मेंटली स्टेबल सर, यू आर नॉट फिट टू इन्वेस्टिगेट दिस केस, यू हैव अ प्रॉब्लम। आई हैव नो प्रॉब्लम। यू हैव अ प्रॉब्लम। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। प्लीज ये देखिए, एक घंटा, बस एक घंटे का टाइम देती हूँ। अपने आप से निकलोगे तो अच्छा होगा, वरना आपको यू विल हैव अ प्रॉब्लम। आप साइको हो गए हो ब्रो। रंग नायिका डराती है, फंसाती है, वो आखिर में मार डालती है। टाइम सही नहीं है सर। गोविंदा सर, पैक पैक करो। ठीक है सर, जाएंगे। व्हाट डिड आई मिस? आई एम मिसिंग समथिंग 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 समथिंग। What is that? कुआं मुझे ही फंसा देगा। डराती है। ऐसा उन लोगों ने कहा था। वो ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो मिस हो रहा है। कुछ क्लू मिस कर रहा हूँ मैं। क्या है वो? क्या है वो? Something wrong, something is wrong, something is wrong. ये रणछेद है। Something is wrong. शिवाजी, तुम्हें कोई शादी तब से ही करोगे? Something is wrong, something is wrong, something is wrong. सर उस कुएं के पास मत जाइए, उसे मत छुइएगा सर। What did I miss? What did I miss? What did I miss? मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। कुआं, कुआं, कुआं। सर सर, एक घंटा बीत चुका है सर। पहली बार बिहार जाऊंगा ऐसा लग रहा है। इस केस में एक भी लॉजिकल कंक्लूजन नहीं मिला। उन सब लोगों के कहने के मुताबिक इस रणगिरी में होने वाली सारी घटनाओं के पीछे कोई मतलब नहीं है। टू मी द केस इज क्लोज्ड। ठीक है, सारा लगेज पैक कर लो। पैक है सर। ठीक है, चलो। बाय ब्रो। बाय सर। बाय बैक से। थैंक यू सर। सर सेफ जर्नी सर। थैंक यू, चलता। अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। ओके चल सर। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। टेक केयर सर। नमस्ते सर। थोड़ा संभल कर रहना। ठीक है सर। सर सर, कार की चाबी रूम में ही भूल कर आ गया हूँ सर। हाँ, जाकर ले आओ। जी सर। हे वेट सर। क्या कहा? चाबी रूम में ही भूल कर आ गया हूँ सर। कीज रूम में ही भूल कर आ गया हूँ सर। हो गोविंदा सर, यू आर अ जीनियस सर। थैंक यू सर। सर 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 सर, क्या हुआ सर? ये वापस क्यों नहीं आ रहे? Why is he coming back? प्रीतम सर, कार की रूम में ही भूल गया हूँ। जरा मास्टर की दे सकते हो? श्योर सर, श्योर सर, ये लीजिए सर। थैंक यू। सर आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं? अपना रूम तो इधर है सर। ओ, ऐसा क्या? हाँ। तो इस तरफ रोशन का रूम था सर। उस तरफ ही जाना है, चलो। अरे गोविंदा सर, हम रोशन के रूम में कितनी बार आए हैं? दो बार सर। पिछली बार दरवाजा किसने खोला? प्रीतम सर। कैसे? इसी चाबी से। एग्जैक्टली। तो फिर वो की कौन सी है? एक रूम में दो कीज होती हैं, एक कस्टमर के पास रहने वाली रूम की और दूसरी होटल वाले के पास रहने वाली मास्टर की। और सर मास्टर की यूज करके अंदर आ गए सर। रोशन के रूम की यहाँ है
तो रोशन रूम छोड़कर कहीं गया ही नहीं। लेकिन उसकी बॉडी तो पूल के पास मिली थी सर। पानी में डूब कर मरा है ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा है। पूल में बॉडी मिली है लेकिन वो डूब कर मरा है ऐसा सब कह रहे हैं। उस पूल में ही क्यों, हो सकता है वो इस रूम में मरा हो। ऐसे कैसे मुमकिन है सर इस रूम में? इस रूम का मतलब वहां। यस, वो कातिल रोशन को पानी के टब में मार कर उसकी बॉडी को स्विमिंग पूल में फेंकता है। ये कैसा, ये तो श्रीदेवी के केस के जैसा लग रहा है सर। रोशन कम से कम 100 किलो का था, उसे इतनी आसानी से बाथटब में डुबोकर मारना, ये कैसे संभव हो सकता है सर? पॉइंट। मोर ओवर, किलर अटैक करने के टाइम रोशन उस पर अटैक नहीं करता, एंड बाजू में गन भी थी, उसे यूज नहीं किया। आई थिंक अटैकर रोशन को जानता था, उसने रोशन को डुबोने से पहले उसे डमी किया था। सर ये कैसे मुमकिन है? वीकनेस गोविंदा, वीकनेस। रोशन की वीकनेस को लेकर उसका मिसयूज किया गया है। उसकी वीकनेस क्या है? व्हाट द वीकनेस ऑफ रोशन सर? वो क्या है कि प्लीज आई एम थिंकिंग, जस्ट शट अप, शट अप, शट अप। एस्टेलिन, मिसिंग ऑब्जेक्ट एस्टेलिन इनहेलर। रोशन को अस्थमा था, उसे अस्थमा अटैक आए इसलिए उसकी मेडिसिन को छुपा दिया गया। द फैक्ट इज, जिस पेशेंट को अस्थमा की शिकायत हो अगर उसके रूम में स्ट्रॉन्ग स्प्रे मार दिया जाए तो उसे अस्थमा अटैक आ सकता है। हाँ पॉइंट, उसकी पर्सनल डिटेल के बारे में कौन जानता होगा? फैमिली, फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली डॉक्टर या फिर क्लोज फ्रेंड्स जिसे मेडिकल नॉलेज हो। एग्जैक्टली। कौन है सर वो? डॉक्टर अंजलि। अब मैं सस्पेक्ट हूँ, ये चल क्या रहा है? पता चल गया, किलर डॉक्टर अंजलि, मर्डर वेपन, डिओडोरेंट स्प्रे, उसके अस्थमा की वीकनेस का मिसयूज करके उसे डमी किया गया। बट समथिंग इज रॉन्ग। कम से कम 100 kg का आदमी बात कब से लेकर उसे बाहर कैसे शिफ्ट किया होगा? शी हैज एन अकम्प्लिस, इसमें उसकी किसी ने तो हेल्प की होगी और मुझे झूठ बोल रही है। वो कौन हो सकता है? प्रीतम। प्रीतम ने क्या कहा था? मुझे खुद जाकर एसआई रुद्रेश को यहाँ पे लाना पड़ा सर। लेकिन नेक्स्ट डे उसी कार में बैठा था जब अपनी कार को एडजस्ट कर रहा था। इससे पहले कार को किसी दुबले पतले आदमी ने ड्राइव किया जो कोई और है। कौन है वो? कौन है वो? अनवर, अनवर, प्रीतम, अंजलि ने मिलकर उसका खून किया है। अनवर एस्केप हुआ, प्रीतम यही रिसोर्ट में ही जम गया। अनवर तो परसों से मिसिंग था सर। मिसिंग तो इन लोगों ने कहा था ना गोविंदा, पहले से ही अनवर मिस नहीं हुआ है, इन सब लोगों ने मिलकर प्लान किया है। लेकिन अपना रुद्रेश उसे ढूंढ रहा था सर। hey, वो मिस ही नहीं हुआ तो रुद्रेश उसे कैसे ढूंढेगा? ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गैंग। मतलब अपनी टीम में रहकर अपने खिलाफ मैच फिक्स कर रहा है सर। हाँ यार, ऐसा ही रुद्रेश की रणगिरी में 3 महीने पहले ही पोस्टिंग हुई है। अनवर भी रोशन के पास ही ड्राइवर के रूप में 3-4 महीने पहले ही लगा था। सो इट वॉज अ प्री प्लान। अनवर, अंजलि, प्रीतम, रुद्रेश, ये चारों के चारों किलर है सर। एंड ऑफ कोर्स रंग नाई की। रंग नाई की नाम के भूत को किसी ने क्रिएट किया है। उस कहानी को पहले किसी ने कहा था। ये भूत का काम है सर। उसे अंडरलाइन किया था ब्रू और यूरेका ने कुएं में। उनके साथ मिलकर उस रंग नाइकी की कहानी को और ज्यादा कहानी को रंग दिया। ऐसा लगा किसी ने दरवाजा ठोका। दिस प्लेस इज हॉन्टेड सर। NRI सौम्या अंजमपुरा और उसका बंगाली पति सोमजीत। सौख्या, स्टॉप इट डियर। वो बंगाली, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। सो कहीं इसीलिए तो होटल की लाइट फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही थी। सबको रंग बिरंगा धागा देते हो भाई, क्यों? वो धागा नहीं है, रक्षा सूत्र है सर। उसने तो कहा था अपना टाइम सही नहीं चल रहा है सर। रंग नाई की सब एक नाटक है यार, एक ड्रामा। तो सर आपने भी तो रंग नाई को देखा था ना सर? हाँ, वो एक मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है गोविंदा। वो भूत मुझे तो दिखाई दी। लेकिन तुम लोगों को नहीं दिखाई दी? नहीं सर। वो भूत मुझे तो दिखाई दिया लेकिन तुम्हें नहीं। मुझे जो इफेक्ट हुआ वो तुम्हें नहीं हुआ। मतलब मैंने जो किया वो तुम लोगों ने नहीं किया, उन्होंने कुछ तो यूज किया। व्हाट्स दैट? भैया चाय। हाँ चाय।
गोविंदा। कॉफी पीने वाले को लगातार चाय पर चाय पिलाई जा रही थी, लेकिन तुम तो दोनों ही नहीं पीते हो। अरे मैं कुछ और पीता हूँ भाई। सो उस चाय में बेहोश करने वाली कोई दवाई मिक्स की गई थी, सम हेलोसिनोजन। क्लिनिकल डिप्रेशन। हाँ, मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है ये उसे पता था। मेरी टैबलेट्स खत्म हो गई है ये भी उसे पता था। वो टैबलेट्स मैंने रुद्रेश को लाने के लिए कहा था वो भी उसे पता था। सो मेरे मेंटली वीक होने के बाद मुझमें कोई भी ड्रग इन्फ्यूज करके मुझे हेलुसिनेट कर दिया। सो रंग नाई की वॉज जस्ट एन इमेजिनेशन। सर, सब लोगों ने मिलकर आपको टारगेट किया है सर। यस, दे वॉज स्मार्ट, बट आई एम स्मार्टर। आई एम शिवाजी सूरतकल। मतलब जब रोशन रूम में था। कौन है? हे हे अंजलि, ये क्या कर रही हो अंजलि? व्हाट आर यू डूइंग? छोड़िए मत अंजलि, छोड़िए मत उसे। इसे पकड़ो, छोड़ो मुझे। कौन है तुम लोग? कौन है तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे अंजलि। अरे आराम से, मैं होम मिनिस्टर का बेटा हूँ, छोड़ो मुझे। I can't breathe. जल्दी बाहर आ, जल्दी करो, जल्दी आओ, चलो, चलो यहाँ से, चलो, 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 जल्दी, जल्दी, चलो, निकलो, निकलो, जल्दी, चलो, चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। मर गया वो रोशन। इसका मतलब खून किया एक ने नहीं, दो ने नहीं, 12 लोगों ने। कमीने सब, सब मिले हुए क्रिकेट टीम की तरह हैं सर। ए, एसपी और मिनिस्टर को फोन करो, केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है। उन्हें रणगिरी आने के लिए कहिए, मैं उस क्रिकेट टीम का स्कोर कार्ड अपडेट करता हूं। जैसे बिजली चमकती है तो रोशनी होती ही है, बिल्कुल उसी तरह सच को छुपाओगे तो कभी ना कभी बाहर आकर अपने को चौंका ही देता है। एक खून हुआ है तो उसमें एक कातिल होना लॉजिक है। अगर 12 लोगों ने मिलकर खून किया है तो वाओ, ग्रेट टीम वर्क पीपल। तुम लोगों ने क्या सोचा था, सब लोग झूठ को सच बनाकर बोलोगे तो मैं मान जाऊंगा? हाँ, साइकाइट्रिस्ट क्या कहते हैं, हाँ यस, गैस लाइट इफेक्ट। मैं नहीं माना तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी और मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गया हूं, ऐसा मुझे ऑलमोस्ट यकीन दिलाया था। ग्रेट टीम पीपल। लेकिन एक बात याद रखो, तुम लोग अपनी लाइफ में किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन दो लोगों को छोड़कर, एक मन और दूसरी आत्मा और एक इस शिवाजी सूरतकल को। बट वन क्वेश्चन, अगर तुम लोग ग्रेट टीम हो तो तुम लोगों के बीच का रिश्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों का फ्रेंड्स होना संभव नहीं है क्योंकि तुम लोगों का एज ग्रुप अलग है और जन्म भी अलग अलग गांव में हुआ है। कंफ्यूजन इसी बात का है कि तुम कलिग्स नहीं हो, फ्रेंड्स नहीं हो, फैमिली नहीं हो, देन व्हाट्स द कनेक्शन? तो अब क्या कहोगी मिस सौम्य अज्जमपुरा, श्रीनिवास अज्जमपुरा की बेटी? तुम्हारे पिता स्टेज के आर्टिस्ट 2006 में परफॉर्म करते समय स्टेज पर ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और वो गुजर गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके जाने के बाद ड्रामा ट्रूप चलाने वाली तुम लोग ड्रामा ट्रूप में अलग अलग पात्र एक्टिंग करने वाले कलाकार हो। यू आर ऑल एक्टर्स, कलाकार हो। स्टेज पर मेकअप लगाकर किलर बनना आसान है, लेकिन रियल लाइफ में कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है तुम लोगों ने। हाउ? एंड पीपल लाइक यू एंड यू एंड यू, यू ऑल मिडिल क्लास पीपल। पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होती है, थर 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 कांपने लगते हो तुम लोग। प्लान बनाकर एक इंसान का मर्डर किया है तुम लोगों ने, इसकी कोई तो मजबूत वजह होनी चाहिए। व्हाट इज द मोटिव? है खून क्यों किया? पर्सनल रिवेंज? कहो जो भी कहना है, किसके कहने पर खून किया है बताओ मुझे। यूरेका लोबो,
daughter of Valerian Lobo, alias बटरू। तुम आधा काम करते हो इसलिए तुम्हें बटरू कहकर बुलाते हैं ना। तुम जब पहली बार मिले थे तो क्या कहा था, मेरी छोटी बेटी मर गई है। अगर ये तुम्हारी पहली बेटी है तो वो छोटी बेटी कौन है, बोल बे। कम ऑन। नो 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 सर, सर प्लीज इसे कुछ मत कीजिए प्लीज। जेसिका, जेसिका मेरी बहन थी। शी वाज 16 इयर्स ओल्ड सर। वो अंधे थी। जेसिका भले देख नहीं पाती थी सर, लेकिन उसके सपनों की कोई हद नहीं थी सर। हमारे ग्रुप के लिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी सर। हमेशा हंसती रहती थी, वेरी लाइवली गर्ल सर। लेकिन उसे जरा से भी चोट लगती थी ना तो वो सह नहीं पाती थी सर। ऐसी लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ सर? ओके, आई गेट इट। पर डॉक्टर अंजलि, रोशन तुम्हें पसंद था ना, फिर क्यों इन लोगों के साथ मिलकर उसे मारा? फ्रेंड्स के साथ रहता था तो रोशन अलग ही इंसान बन जाता था। बंटी वॉज अ रोग। क्या कहा? हु इज बंटी? रोशन को सारे फ्रेंड्स बंटी ही कहकर बुलाते थे। रुक जाओ बंटी, वो लड़की प्रेग्नेंट है यार। बंटी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन कत्ल किए थे, बट उसने स्टार्ट तो जेसिका से ही किया था। हेलो। हाय स्वीटहार्ट। हे बंटी, आज शाम को मैं घर आ जाती हूँ। ओके ओके स्वीटहार्ट, मैं एक मीटिंग में आया हूँ, साफ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है ना? यार ब्रो, तू बहुत लकी है यार, तेरी गर्लफ्रेंड तेरे पे कितना भरोसा करती है। राकेश, गर्लफ्रेंड के सामने नाटक करके तुम्हें जो करना है वो कर लेना चाहिए। इसलिए तुझसे बोल रहा हूँ कि तू भी एक गर्लफ्रेंड ढूंढ ले। तुम्हारे पुलिस स्टेशन में वो लड़की है ना, बहुत हॉट है यार। यार वो बॉस का स्टेप नहीं है, उसे ट्राई किया तो मेरा स्पेयर पार्ट से निकाल लेगा पूरी तरीके से। तू भी ना। सर सर, यहाँ पे लेडीज टॉयलेट कहाँ पे है सर? हाँ, लेडीज टॉयलेट बगल में है, जाइए। थैंक यू यार। इसे आंखों से दिखता नहीं पर ड्रेस क्या मस्त पहनी है। रोशन तो नहीं सुधरेगा। तो भी वही सोच रहा है क्या जो मैं सोच रहा हूँ? वैसे यार इसके साथ अगर हम कुछ भी करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा और मजा बहुत आएगा। चल मैं स्ट्राइकर एंड तू नॉन स्ट्राइकर, चला जा। कुकू। सर कुकू। कौन है सर? कुकू। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है यहाँ? कुकु कुकु। कौन हो? सर छोड़ो मुझे सर, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हाँ उठ ले, चल चल चल, लेके चल, लेके चल। ये तो मर गई यार। तूने मार दिया इसे? और ये मर चुकी है, मर गई है ये। अब क्या करें यार? I have an idea। प्लेस ऑफ डेथ को चेंज कर देंगे। चल चल चल, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना, चल जल्दी चल। राकेश ने अपने पुलिस इन्फ्लुएंस का यूज करके जेसिका के बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर, एक्चुअली व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ? सर वो आपको कैसे बताऊं मैं? डॉक्टर बोलिए, प्लीज बोलिए।
मेडिकल टर्म्स में कहूँ तो हाइमन टप्चर होकर बहुत ज्यादा खून बह गया है। मतलब इसने कभी संबंध नहीं बनाए होंगे, इसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है जिससे बहुत पेन हुआ, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और हार्ट अटैक आ गया। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें बता सकते हैं डॉक्टर। सॉरी सर, ये पुलिस केस है इसलिए आपको यहाँ के एसआई राकेश से बात करनी होगी। आई कांट हेल्प इट। ओके डॉक्टर, थैंक यू। प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज आओ। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो आपके पहचान की लड़की है, लेकिन केस क्लोज हो चुका है। हाउ कैन ही क्लोज द केस? बट केस कैसे क्लोज हो गया सर? मेरी बात सुनो, लड़की की लाश सड़क पर पड़ी हुई मिली थी, उस लाश को हॉस्पिटल में लेकर आया, किसी ने उसका रेप करके उसे मार के सड़क पर फेंक दिया होगा, और जैसे उसने कपड़े पहने थे उसे देखकर ये नहीं लगता कि वो कोई शरीफ लड़की थी। डू नॉट कमेंट ऑन जेसिका कैरेक्टर, शी वाज अ जमाफू गर्ल। ओहो हो, तुझे बुरा लग रहा है? तेरे और उसके बीच कोई चक्कर वक्कर था क्या? सर सर, आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर, व्हाट आर यू टॉकिंग? सर, इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। मेरे पहचान के एक लॉयर है, हम उनका सपोर्ट लेंगे, अब इंसाफ हमें कोर्ट में ही मिलेगा। ए चल निकल निकल, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे कोर्ट और लॉयर को, जो करना कर लो। प्रीतम, नो से लॉयर, वी कैन टॉक टू अर्जेंटली। आइए सर, प्लीज हम उनसे बात करेंगे सर। डोंट वरी सर, मैं केस ले लेती हूँ, बट स्ट्रॉन्ग विटनेस चाहिए सर। देखो, मैंने लॉयर से डिटेल में बात की है, वो विटनेस के बारे में पूछ रही थी। विटनेस मैं बनूंगी सर। मैम, आप? आई एम अंजलि, मैं रोशन की गर्लफ्रेंड हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी उस सिचुएशन में, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप सॉरी क्यों कह रही हैं? उसके साथ क्या हुआ पता चला? यही बहुत है सर। उस लॉयर मैडम का नंबर दीजिए, मैं खुद जाकर उनसे मिलती हूँ। लॉयर मैडम से मिलने के लिए मैं उनके घर गई और वहां पर मैंने बंटी को देखा। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, बंटी और उसके फ्रेंड्स सब साथ हैं, वो एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस में किडनैप करके ले जा रहे हैं। सॉरी मैं अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सच है। दो दिन के बाद दो खून हुए, इस बारे में हमें पता चला। बिना वजह इस लॉयर को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमें सपोर्ट कर सके वो अकेली ऐसी थी और उसे मार डाला गया। रोशन और उसके पिता बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, ये बात बाहर ना आ जाए इसलिए राकेश को भी उन लोगों ने मार डाला, और इसका कारण वो है, ऐसी कहानी बना दी। इंडिया में साल में 25,000 रेप केस फाइल हो रहे हैं, उसमें से कितने लोगों को पनिशमेंट मिल रहा है? मतलब इंसाफ कहाँ है? हमें जीने का हक नहीं है क्या? इंसाफ कहाँ है बेटी? उन लोगों के पास पैसा है, आपके पास कहाँ है? अपने पास अपना हौसला है। सही कहा, युक्ति में शक्ति होती है ऐसा कहते हैं, अगर हमने ठान लिया तो हम कर सकते हैं। तो उस कमीने रोशन को मार डालते हैं हम लोग, फिर उसका अंत कौन करेगा? मैं मारूंगी, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग टू लूज। ये सब आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं? मर्डर करेंगे? ये कैसे होगा? हम सबकी भी फैमिली है, अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो हमारा क्या होगा? हम लोग ऐसा सोच के चुपचाप बैठे हैं, इसलिए वो अन्याय पे अन्याय किए जा रहे हैं। और ऐसा हादसा और किसी लड़की के साथ होने से पहले। लेट्स किल द ब्लडी बास्टर्ड। मेरी बहन और लहर दीदी को मारने वाले को हम डरा डरा के मारेंगे। रोशन को हम लोग खत्म कर देंगे। सर, ये सब सुनने के बाद भी आप हम लोगों को अरेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ मुझे अरेस्ट करिए सर, क्योंकि मेरी आंखों के सामने दो लोगों के साथ गलत हुआ और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। जेसिका अगर आपकी बहन होती तो आप क्या करते? या फिर वो लॉयर मैडम आपकी बीवी होती
तो आप क्या करते सर? वो लॉयर मेरी बीवी ही है। उसका नाम जननी है। उसका खून हुआ। She was 7 month pregnant. लेकिन 3-4 सालों से उसे किसने मारा ये जानने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मासूम लड़की की मौत का इंसाफ दिलाने के लिए मेरी बीवी लड़ लड़ कर मर गई। ये बात मुझे अभी पता चली। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू ऑल। एनीवे, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुम सब ने मिलकर एक कत्ल किया है, ये मैं छुपा नहीं सकता। जो सजा मिलनी है वो तो मिलकर ही रहेगी। कंफ्यूज्ड क्यों हो? जानू, तुम्हारे खून करने वाले लोगों को पकड़कर उन्हें सजा दिलवाऊंगा, ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था। अभी उस रोशन को सजा मिल गई, लेकिन जो सजा मिली है उसके तरीके को मैं मान नहीं पा रहा हूँ। सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाकर उसका खून किया है, ये कानून के खिलाफ है। मुझे और जेसिका को मारते समय कहाँ था आपका कानून? कम ऑन जानू, एक लॉयर होने के नाते कानून के विरुद्ध कहना सही नहीं है। मैं कानून, न्याय और धर्म का पालन करती हूँ। अगर कानून से न्याय नहीं मिला तो दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। बिना मतलब बहस करके मेरे काम में बाधा मत डालो। उन लोगों ने जो कुछ किया है वो गलत है। जी, उन लोगों ने जो किया आपको गलत लग रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। That's what matters. But still, मेरा माइंड ये सब मानने को तैयार नहीं है। Exactly जी, एक बार अपने दिल से सोच के देखो जी। दिल दिमाग की तरह कंफ्यूज नहीं होता। सही है तो सही, गलत है तो गलत। उन लोगों ने बिल्कुल सही किया, दिल ने जो कहा किया। अब आपको जो सही लगे आप भी वही करो। वेलकम सर। थैंक यू। इससे पहले मैंने आपको कहीं देखा है? हाँ जरूर देखा होगा सर, मेरे जैसे हजारों पुलिसमैन की हिस्ट्री डिलीट करने वाले आप ही तो है ना। राकेश डेथ केस। सॉरी उम्र हो गई इसलिए भूल जाता हूँ। मैं नहीं भूला हूँ सर। नाइस। यू आर शिवाजी सूरतकल? ओह, शिवाजी सूरतकल। यस। इमेजिनेशन करके क्राइम सॉल्व करने वाले सर? वही ना। इनकी वाइफ भी मर गई है। I'm very sorry, really. FIR के आधार पर वो राकेश ही गुनेगार नहीं है सर। ये देखिए सर, 2 मास्क हैं, 2 पिज़्ज़ा कवर हैं। खून करने वाला एक नहीं 2 लोग थे। 2 लोग? सर यस सर, एक हमारे डिपार्टमेंट में रहने वाला राकेश और दूसरा वो उसकी वॉइस को मेरी वाइफ के कॉल के साथ ट्रेस करने वाला। वो तेलुगु में बात कर रहा था सर, उसका नाम बंटी है सर। बंटी? यस सर, राकेश और बंटी मेरी बीवी को किडनैप करके यहाँ लाए थे सर। यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है सर। बंटी ने फावड़े से मेरी बीवी को मारा है सर। उसके लिए राकेश ने विरोध किया, गुस्से में आकर बंटी ने उसे भी मार दिया। राकेश ही कातिल है, उसके ऊपर एविडेंस फाइल करके बंटी वहाँ से एस्केप हो गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा सर, उसे 48 आवर्स में आई विल कैच दैट बास्टर्ड बंटी एंड आई विल फिनिश दैट बास्टर्ड सर।
आपकी बीवी का केस इसलिए इमोशनल हो गए हैं। मैं समझ सकता हूँ। मंत्री जी से बात करिए सर। देख लो, ये मीडिया वाले क्रिकेट देखते हैं, कुछ भी दिखाने के लिए कुछ भी बकवास दिखाते रहते हैं। इमेजिन करो कि आखिर अब करना क्या है। इतने वर्षों से बच्चा नहीं हुआ तो हो सकता है कि उसका किसी और के साथ कहीं अफेयर। इनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, पेट पे रहने वाले बच्चे के लिए तो लड़ना ही पड़ता है ना, और पता नहीं फिर वो किसका है। सर ये क्या बकवास कर रहा है सर? अरे रे, इसका कहने का ये मतलब नहीं है। मीडिया वाले ऐसा कह सकते हैं, ये तुम्हें बता रहा है। डोंट मिस्टेक अस, बिना मतलब के मीडिया वाले हम सबको बदनाम कर देते हैं। इन्हें क्या मतलब है भला? शिवाजी, सिंसियर ऑफिसर के नाम पर स्टेट में नाम कमाने वाले हो, अगर तुम्हारी बेइज्जती हुई तो पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती होगी। इन सब की जरूरत क्या है? सर जो कह रहे हैं वो करेक्ट है, उसे ही फॉलो करो प्लीज। पाटिल। यस सर। जस्ट फॉर्मेलिटी, एक साइन कर दो। सर इसमें तो बंटी का नाम ही नहीं है। शिवाजी, अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करना है तो मुझ पे ध्यान दो ना, हा? बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। सुनो सर, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। यस सर। ऑफ द रिकॉर्ड पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यस सर। एंड ही शुड गेट जस्टिस। डेफिनेटली सर। यस। साइन कर दो ना प्लीज। शिवाजी, इतने सारे नाम हैं? सब 12 लोग हैं सर। ये सारे लोग कौन है भाई? यही है सर वो लोग हैं? इन लोगों का और आपके बेटे का खून से एक खास संबंध है सर। क्या? हाँ, ये सब लोग विटनेस हैं सर। तो फिर मेरे बेटे का खून किसने किया? सर वो इस रिपोर्ट में लिखा है, मर्डर्ड बाय अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल। मतलब सर ऑफ द रिकॉर्ड, इसे कैसे बताएं? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एक औरत सर, औरत का मतलब एक शक्ति है सर। ये जो जगह है ना, गांव रणगिरी, ठीक नहीं है सर। ये क्या बकवास कर रहा है? नॉनसेंस। नो सर, इट्स अ फैक्ट। नौजवान लड़कों को अगर चांदनी रात में मिलने जाए तो उसे मार डालती है सर। लेकिन सर आपका बेटा भी जवान था, स्मार्ट था, उम्र हो गई थी ना उसकी सर। विल यू प्लीज शट अप। सर आपका बेटा, इसलिए इतना भावुक मत होइए। शिवाजी बी प्रैक्टिकल। आई एम वेरी प्रैक्टिकल। इस केस को हर एंगल से स्टडी किया है मैंने। जब तक सुना नहीं यकीन नहीं किया, जब तक देखा नहीं यकीन नहीं किया। मुझे खुद अनुभव हुआ है सर। क्या क्या अनुभव हुआ है तुम्हें? सत्रह मई 2015 शाम 5:30 बजे वही आखिरी बार मैंने अपनी पत्नी की आवाज सुनी थी। जी जानू, कहाँ हो तुम? मुझे नहीं पता। हे, एक मिनट रवि, इस फोन को ट्रेस करो। मुझे चक्कर आ रहा है जी। जानू लिसन टू मी, फोकस, डिटेल बताओ तुम कहाँ हो? जंगल में। जंगल? और उसके आसपास क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? यहाँ बियर के बॉटल्स हैं, दो लोग मुखौटा पहने आगे बोलो। यहाँ पे बोरियां भी दिख रही हैं। तुम बात करना बंद मत करो। हाँ। और क्या, ये आवाज कैसी है? कोई ट्रेन जाने की आवाज है क्या? हाँ, ट्रेन जा रही है। सच में फोन कर रही है। मार डालूंगा उसे मैं। नहीं बंटी, वो लॉयर प्रेग्नेंट है, ऐसा मत कर। अबे सिंपैथी, मेरी बात सुन। साथ यहाँ से निकल, चल बे। हट नहीं सर, ट्रेस कर लिया सर, नॉर्थ इंडिया का लोकेशन दिखा रहे सर। हेलो पापा, एक प्रॉब्लम हो गई है पापा। फिर से प्रॉब्लम हो गई क्या? ठीक है, आ जा बंटी, आई विल टेक केयर। जी 15 मई 2015 उस दिन मैंने अपनी जननी को आखिरी बार देखा था। जानू
जाना। जानू, जानू, हाँ।